माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और आप सबके बीच में मैं एक नन्ही कलम उपस्थित हूँ, मंचों को प्रणाम करती हूँ और मैं बिना कोई भूमिका बनाए हुए अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। नंद साम्राज्य से लेकर वर्तमान तक जब भी सत्य की क्षति हुई है तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान को भी धरती पर प्रकट होना पड़ा है, तो मैं पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी, सुनिएगा। सत्य जहाँ पर मौन धरे, सत्य जहाँ पर मौन धरे, वहाँ शस्त्र उठाना पड़ता है। सत्य जहाँ पर मौन धरे, सत्य जहाँ पर मौन धरे, वहाँ शस्त्र उठाना पड़ता है। धर्म युद्ध के लिए हमें फिर कुरुक्षेत्र रचाना पड़ता है। सत्य जहाँ पर मौन धरे, गांडीव गिरा कर अर्जुन जब, गांडीव गिरा कर अर्जुन जब मोह पाश में लिपटा है, गांडीव गिरा कर अर्जुन जब मोह पाश में लिपटा है, गीता ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाना पड़ता है। सत्य जहाँ पर मौन धरे, जब दुर्योधन का दुस्साहस, जब दुर्योधन का दुस्साहस द्रौपदी का चीर हरण करता है, उसके रक्त से प्यास बुझाने भीम को आना पड़ता है। सत्य जहाँ पर मौन धरे, अगली पंक्ति उनके लिए जो हमसे बड़े रहते हैं, जब वो हमारा उचित मार्गदर्शन नहीं करते और आंखें मूंद लेते हैं तब क्या होते हैं। जब गांधारी का विवेक, जब गांधारी का विवेक आंखों को मूंदे रखता है, जब गांधारी का विवेक आंखों को मूंदे रखता है, अपने सौ पुत्रों की लाशों को कांधे पर ढोना पड़ता है। सत्य जहाँ पर मौन धरे, अंतिम बंद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब दुशासन का दुस्साहस, जब दुशासन का दुस्साहस, जब दुशासन का दुस्साहस सारी मर्यादा खोता है, तब कौरव वंश के नाश का इतिहास रचाया जाता है, इतिहास रचाया जाता है। अब अपने स्थान को ग्रहण करने से पहले मैं एक दो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चूंकि मैं स्वयं एक नारी हूँ तो आजकल की मातृशक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है, तो जो वर्तमान समय में घटनाएं घटित हो रही हैं उनको रोकने के लिए नारी शक्ति को ही आगे आना पड़ेगा। तो पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि रखो साथ में देसी कट्टा, रखो साथ में देसी कट्टा या फिर रखो तलवारें, सुनसान राहों में जो हवस को मौत के घाट उतारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।